मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर ने लगातार पांचवी बार देश में स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल स्थान पाया है। 2017 में जब इंदौर को पहली बार सफाई में नंबर वन का अवार्ड मिला था, तब से लेकर दो बार राज्य में सरकार बदली, प्रतिनिधि बदले, अधिकारी बदले, लेकिन नहीं बदले तो इंदौरी, यानी सफाई में अव्वल आने का सिस्टम चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगापुर का सेंटोसा हनुवंतिया से सुंदर नहीं है। अगले साल से यहां हेलीकॉप्टर और स्कूबा डाइविंग भी शुरू की जाएगी, जिससे यहां आने वाले टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से हनुवंतिया के नज़ारे को देख सकेंगे। सीएम ने यहां नाइट सफारी शुरू करने की बात भी कही। इंदौर में सेक्स रैकेट से जुड़ी 6 और लड़कियों 3 दलालों को पकड़ा गया है। लड़कियां दिल्ली, वाराणसी, महाराष्ट्र और ओडिशा की रहने वाली है। देह व्यापार का अड्डा इंदौर के महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में चल रहा था। एस्कॉर्ट सर्विस की 3 वेबसाइट पर डील के बाद लड़कियों को कस्टमर्स के बताए पते पर भेजा जाता था। 3 दिन पहले मंगलवार को भी गुरुग्राम और रायसेन की 2 लड़कियों को भी स्कीम 114 से पकड़ा गया था। सफाई में नंबर वन आने वाले इंदौर ने एक और बड़ी मिसाल गढ़ी है। श्री गुरु सिंह सभा शहर के 32 गुरुद्वारों में विशेष कमरे बनवाने जा रही है। इन कमरों में लोग कोई भी जरूरत का सामान छोड़ सकते हैं, यहां तक कि टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी। कमरों में कभी ताला नहीं लगाया जाएगा। कोई भी किसी भी समाज का जरूरतमंद कमरे में जाकर अपनी जरूरत का सामान ले जा सकेगा। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा तेजी से दूषित होती जा रही है। नवंबर के इन 18 दिनों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 7 शहरों की वायु प्रदूषण स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है। लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों के लिए तो यह बहुत ही नुकसानदायक है।